आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से स्टार्ट करेंगे पिछले वीडियो तो हम तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्टी तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज थर्टी टू पॉइंट टू के सी सिन्ना क्लास ट्वेल्थ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसमें लिखा है एजुमिंग दैट इच बोर्ड इच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल है ना चाइल्ड में कोई भी हो सकता है दोनों की पोलिटी होने दोनों की पोल्टी बराबर बड़ है इक्वली लाइकली का मतलब यही हुआ इफ अ फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रेन एक फैमिली में दो चिल्ड्रेन है ठीक है वॉट इज द कंडीशनल पोल्टी दैट बोथ आर गर्ल्स है ना गिवेन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल और दूसरा एटलीस्ट वन इज अ गर्ल सबसे पहली बात तो एक फैमिली में दो चिल्ड्रेन है सही ना तो इसका मतलब या तो दोनों गर्ल्स हो सकते हैं या तो दोनों बॉयज या एक गर्ल या एक बॉयज सही तो यहां पे हमें ये बोला गया है कि आप प्रोलिटी बताइए कि बोथ आर गर्ल्स दोनों गर्ल्स होंगी इसकी क्या प्रॉलिटी है जबकि गिवन है गिवन बोले का मतलब यहां पे कंडीशनल प्रॉलिटी निकालना है गिवन क्या है गिवन है पहला में द यंगेस्ट इज अ गर्ल यहां पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें गिवन गिवन यंगेस्ट यंगेस्ट इज अ गर्ल्ड ठीक है जो यंगेस्ट है वो गर्ल होना चाहिए लेकिन हमें निकालना पॉलिटी किसका कि दोनों गर्ल्स होंगे है ना तो यहां पे है बोथ आर आ, गर्ल्स बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल देखो सबसे पहली बात तो हम लोग यहां पे दो इवेंट ले लेते ले हैं एक ले लेते हैं मान लो ए और एक ले लेते हैं बी यहां पे हमें निकालना किसका पॉलिटी बोथ आर गर्ल्स है ना बोथ आर गर्ल्स दोनों जो होना चाहिए वो गर्ल्स होना चाहिए सही ना अच्छा बी हम उसको मान रहे जो गीवन है गीवन क्या है क्या कि यंगर तो यहाँ पे जो छोटी लड़की होगी वो गर्ल होगी है ना ऐसा हमें गिवन है और हमें किसकी पोलिटी निकालना है कि दोनों के दोनों होना चाहिए गर्ल सही ना तो देखो कैसे निकालेंगे तो हमें निकालना है पोलिटी किसका ए का मतलब दोनों गर्ल्स होंगे गिवन क्या है यंगर इज ए गर्ल तो इसको भी लिखेंगे ए बाई बी अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है ए और बी का इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं देखो सैम्पल स्पेस में क्या होगा सैम्पल स्पेस में या तो हो सकता है कि दोनों बॉय हो दोनों चिल्ड्रन क्या हो बॉय हो या फिर हो सकता है कि दोनों गर्ल हो या फिर ये हो सकता है कि पहला गर्ल हो दूसरा बॉय या फिर ये हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरा गर्ल यही कॉम्बिनेशन बन सकता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वन टू थ्री फोर हो गया अगर मैं बात करूं कि बोथ आर गर्ल्स इसमें कौन कौन आएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा गर्ल और गर्ल दोनों को दोनों गर्ल होना चाहिए सही ना अच्छा इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा कि यंगर इज ए गर्ल यानी कि जो सेकंड वाला है वो गर्ल होना चाहिए यंगर मतलब छोटा तो इसमें आ, सेकंड में इसमें गर्ल है इसमें सेकंड में गर्ल है यानी कि ये दोनों आ जाएगा गर्ल और गर्ल फिर अगला है बॉय और गर्ल तो यंगर गर्ल इसी में आएगा है ना कि जो बाद में वो वो छोटा कहलाएगा यंगर छोटा चलिए अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है तो जी जी ही कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा आ, गर्ल कॉमा गर्ल यही कॉमन आएगा ठीक है अब हम लोग प्रॉर्टी निकाल लेते हैं सब का तो अगर मैं पूछूँ कि ए का प्रॉल्टी क्या होगा प्रॉवर्टी ऑफ ए कितना आ जाएगा तो ए की पॉल्टी हो जाएगा वन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फोर है तो वन बाई फोर आ जाएगा अगर मैं बी की बात करूँ कि बी की पॉल्टी कितना आएगा प्रॉर्टी ऑफ बी प्रॉवर्टी ऑफ बी तो ये आ जाएगा कितना टू है यहाँ पे तो टू बाई फोर बोले तो वन बाई टू आ जाएगा ठीक है और ए इंटरसेक्शन बी में वन एलिमेंट है तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कितना आएगा एक ही एलिमेंट है और डिवाइडेड पर बाय फोर करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल निकालना है एक पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें फाइंड आउट करना था तो पी ऑफ ए गिवन बाय बी प्रोवर्टी ऑफ ए निकालना गिवन बी तो कैसे निकालेंगे तो प्रोर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे प्रोल्टी ऑफ बी से तो यहाँ देखो प्रोवर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है वन बाई फोर है और प्रोर्टी ऑफ बी कितना है वन बाई टू है सॉल्व तो करेंगे तो वन बाई फोर आ जाएगा यहां पे आ जाएगा टू बाई वन बोले तो वन बाई टू इसका आंसर आएगा सही है तो ये पहला कंडीशन था दूसरा में क्या है यहां पे दूसरा है दूसरा कंडीशन है कि गर्ल ये गिवन है यहां पे इस बार जो ए है निकालना क्या है कि बोथ आर गर्ल बोथ आर गर्ल हमें प्रोल्टीसी का निकालना है ठीक है ना और गिवन इस बार क्या है गिवन है इस बार एटलीस्ट वन इज अ गर्ल एट लिस्ट वन इज अ गर्ल कम से कम एक गर्ल होना चाहिए तो इसमें कौन कौन आ जाएगा कम से कम एक गर्ल तो इसमें देखो जो कम से कम एक गर्ल होगा वो सभी इसमें आएगा कम से कम एक बोलने के बाद दोनों गर्ल चलेगा तो यहां पे दोनों गर्ल ले लेंगे ये भी इसके अंदर आएगा फिर गर्ल बॉय या फिर बॉय एंड गर्ल ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री आ गया अब अगर हम यहाँ पे ए और बी में कॉमन देखेंगे तो ए में तो यहाँ पर देखो ये आया हुआ था गर्ल गर्ल तो इसमें कॉमन सिर्फ एक ही आ जाएगा तो जब हम यहाँ पे प्रोलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की तो कितना आएगा तो देखो सॉरी प्रोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए गिवन बाई बी है ना ए बाई बी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे और डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी करेंगे अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो एक ही एलिमेंट आएगा गर्ल्ड गर्ल वाला तो ऊपर में आ जाएगा वन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फोर है प्रोर्टी ऑफ बी कितना आएगा पॉलिटी ऑफ बी वन बाई टू है तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू अच्छा यहां पे गिवन क्या था ये प्रोर्टी ऑफ बी निकालना है ना प्रोलर्टी ऑफ बी तो प्रोर्टी ऑफ बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री है ये मैंने उसका यूज कर दिया है ना तो यहां हो जाएगा वन बाई यहाँ पे थ्री होगा ना नंबर ऑफ एलिमेंट है है इसमें है ना और टोटल कितना फोर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई फोर इंटू फोर बाई थ्री तो यह कितना तो पहले का आ 2, दूसरे का? कि आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है गिवन दैट टू नंबर्स ए पेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट फाइन द पॉलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द डाईज फोर देखो दो डाइज थ्रो करना है हमें पॉलिटी बताना है कि दोनों में डिफरेंट नंबर आना चाहिए सही ना इसकी पॉलिटी निकालना है है ना गिवन दैट द टू अच्छा गिवन दैट गिवन दैट टू नंबर्स ए पेयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट हमें निकालना ये है कि सम uh, फोर आएगा Find द probability ऑफ द इवेंट द सम numbers ऑन द डाइस इज फोर सम फोर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन ये है कि दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर आना चाहिए तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा सही ना जो गिवन है उसके प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखेंगे और जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे ठीक है देखो ऐसे हम लोग दो इवेंट ले लेते हैं क्या पहला ये और दूसरा बी बी उसको लिखेंगे जो गिवन होगा है ना तो यहां पे जो गिवन है वो क्या है गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट नंबर्स आर डिफरेंट है ना इसमें लिख लेते हैं नंबर्स आर डिफरेंट दोनों डाइस में जो नंबर आएंगे वो डिफरेंट होना चाहिए ठीक है और हमें किस, क्या निकालना पॉलिटी सम फोर आना चाहिए सम इज फोर सम फोर की पॉलिटी निकालना है और गिवन ये है कि दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए ठीक है ना तो अब देखो अगर हम लोग सोचना शुरू करें कि आ, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा इसका पी ऑफ बी कितना निकलेगा कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए दोनों में तो ऐसा करते हैं टोटल तो थर्टी सिक्स एलिमेंट्स हो जाएंगे क्योंकि दो डाइस थ्रो करें टोटल थर्टी सिक्स पेड़ बनेगा अब उसमें से जो डिफरेंट है वो कितना होगा तो हम लोग उल्टा सोचते हैं कि सेम सेम वाला कितना है तो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स ये छह जो एलिमेंट्स होंगे इसमें डिफरेंट नंबर्स नहीं होंगे तो इसका मतलब ये वो टोटल थर्टी सिक्स में से सिक्स माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तीस हो जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाएगा थर्टी तो इसका मतलब पोल्टी की बात करें कि प्रोल्टी ऑफ बी कितना आएगा तो ये आ जाएगा थर्टी अपॉन थर्टी सिक्स आ जाएगा तो ये कटेगा सिक्स फाइव या सिक्स सिक्स यानी कि फाइव बाई सिक्स इसका पोलिटी आ जाएगा अगर सम फोर की बात करें तो सम में फोर कौन कौन दे सकता है तो सम में फोर देगा कौन सा देखो सेम सेम हम लोग को नहीं लेना है वैसे सम फोर लिख लेते हैं तो पहला वन ले लेंगे दूसरा थ्री फिर अगला क्या है फिर अगला टू है फिर टू फिर अगला लेना पड़ेगा आ टू, टू हो गया फिर थ्री वन कर लेते हैं है ना और कोई कॉम्बिनेशन शायद नहीं बन पाएगा है ना सम फोर होना चाहिए ठीक है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा तो इसको हमने क्लोज कर दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें तीन आ गया तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएगा देखो यहाँ बोला गया था क्या कि नंबर डिफरेंट होना चाहिए तो इसमें जो जो डिफरेंट है सब इसके अंदर आ जाएगा कॉमन क्योंकि डिफरेंट वाला इसमें भी है सेम सेम वाले को छोड़ देंगे यानी कि वन कॉमा थ्री और थ्री कॉमा वन यही इसमें से कॉमन आएगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया दो आ गया तो यहां पे प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा यह आ जाए कितना नंबर ऑफ एलिमेंट टू है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थर्टी सिक्स है तो ये कटेगा अठारह दोनों छत्तीस यानी कि वन बाई एटीन आ जाएगा सही हमें निकालना है ऑफ ए ए बोले तो सम फोर गिवन क्या है कि, आ, है कि नंबर्स आर डिफरेंट ना ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी तो यहाँ पे पी ऑफ बी बोलने का मतलब कितना है पी ऑफ बी पी ऑफ बी है फाइव बाई सिक्स नीचे आ जाएगा और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वन बाई एटीन है ठीक है इसको करेंगे, तो वन बाई एटीन इंटू सिक्स ऊपर चला जाएगा फाइव नीचे आएगा यानी आंसर आएगा और ये हो गया इसका आंसर आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एंड इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक टू हंड्रेड डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन फाइव हंड्रेड इजी मल्टीपल क्वेश्चन एंड फोर हंड्रेड डिफिकल्ट मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन सही ना देखो अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें हम लोग टोटल क्वेश्चन की बात करें टोटल क्वेश्चन तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा तो देखो ट्रूफॉल्स uh, टाइप का क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो ट्रू फॉल्स में भी कुछ डिफिकल्ट है कुछ ईजी है और एम में भी कुछ डिफिकल्ट है कुछ ईजी है तो सभी को ऐड कर दे तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड ईजी फॉल्स है फिर टू हंड्रेड डिफिकल्ट है तो टोटल फाइव हंड्रेड फॉल्स हो गया अच्छा और आगे बढ़ते फाइव हंड्रेड ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अफोर्ड है यानी कि फाइव थ्री थ्री टू फाइव फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड वन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड टोटल क्वेश्चन है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड टोटल क्वेश्चन है और एमसी क्यू भी है अब इसमें इसमें से क्या क्या बोला गया वो सुनना दो टाइप का क्वेश्चन है कौन कौन सा एक है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अच्छा अब ट्रू फॉल्स में भी ईजी और डिफिकल्ट दिया हुआ है इसमें भी क्या है इजी है और इसमें भी डिफिकल्ट है है ना डिफिकल्ट इजी डिफिकल्ट दोनों में है है ना टू हंड्रेड डिफिकल्ट है ट्रू uh, फॉल्स में और थ्री हंड्रेड ईजी है तो थ्री हंड्रेड ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे थ्री हंड्रेड है और टू हंड्रेड डिफिकल्ट क्वेश्चन है ठीक है अब एम सी क्यू की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है ईजी और डिफिकल्ट ईजी और डिफिकल्ट दोनों में है ठीक है तो ईजी कितना है एम सी क्यू में फाइव हंड्रेड ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फाइव हंड्रेड है ईजी में और डिफिकल्ट कितना है डिफिकल्ट फोर हंड्रेड डिफिकल्ट है फोर हंड्रेड डिफिकल्ट आप देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया कितना फोर्टीन हंड्रेड देखो थ्री टू फाइव 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 टेन टेन फोर फोर्टीन फोर्टीन हंड्रेड तो यहाँ पे पूछा क्या गया है सुनना पूछा यह गया है कि क्वेश्चन बाय व्हाट इज द पॉलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लें है ना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पोलिटी अगर निकालें इवेंट की तो क्या आएगा सुनना इवेंट हम लोग ले रहे हैं ईजी इजी क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन गिवन क्या है गिवन हमारे पास कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होना चाहिए है ना देख लेते हैं इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए तो ऐसा करते हैं कि दो इवेंट मान ही लेते हैं है ना तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा देखो एक इवेंट ले लेते हैं ई e. इवेंट ई e क्या है जो हमें निकालना वो लिख लेते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन है ना इट विल बी एन इजी क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है ना ये मान लिया और एफ इवेंट ले, ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना एम सी क्यू ठीक है अब यहां पे हमें निकालना है ईजी जो क्वेश्चन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि गिवन है एम सी क्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए ई बाई एफ तो कैसे निकालेंगे तो देखो जो गिवन है जो गिवन है उसका प्रोल्टी हम लोग नीचे लिखेंगे या उसका नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे लिखेंगे तो एम सी क्यू क्वेश्चन कितना है तो देख लो एम सी क्यू क्वेश्चन है देखो फाइव हंड्रेड और फोर हंड्रेड टोटल नाइन हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है अच्छा अब ऊपर किसको लिखेंगे ईजी क्वेश्चन अब ईजी क्वेश्चन कहाँ ढूंढेंगे जो गिवन है ना उसमें से ईजी क्वेश्चन निकालो तो गिवन में से इजी क्वेश्चन कितना है तो गिवन मतलब क्या है गिवन है एमसीक्यू अब उसमें ईजी कितना है तो गिवन गिवन uh, है एमसीक्यू उसके अंदर ईजी है 500 तो ऊपर आ जाएगा 500 इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव बाई नाइन इसका आंसर हो जाएगा सही ना तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस ठीक है इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स थ्रो थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ क्वाइन फाइन द कंडीशनर प्ल्टी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज अ टेल गिवेन दैट एटलीस्ट वन डाई सोज अ थ्री देखो यहाँ पे एक डाई को थ्रो किया गया अब बोला जाता कि अगर मल्टीपल ऑफ थ्री नंबर आता है थ्री का मल्टीपल अगर कोई नंबर आ गया तो आपको फिर से एक डाई थ्रो करना है और अगर मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं आता है तो आपको एक क्वाइन को टॉस करना है ठीक है न ये बोला गया है सही है न कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स अप थ्रो थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ क्वाइंट देखो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक डाइस को थ्रो करेंगे ठीक है ना चलो एक डाइस लेते हैं तो यहाँ पे हमने लिया एक डाइस ठीक है ना इसको हमने थ्रो किया ठीक है डाइस अब यहाँ पे दो चीज़ें आ सकता है अगर मल्टीपल ऑफ थ्री आता है मल्टीपल ऑफ थ्री बोलने का मतलब आ गया थ्री और सिक्स तो अगर ये मल्टीपल ऑफ थ्री आता है तो आपको फिर से एक क्वाइन को टॉस करना है सॉरी क्वाइन नहीं डाइस को थ्रो करना है तो फिर से यहाँ पे क्या करना है डाइस थ्रो करना है है ना डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या पेड़ बन सकता है तो ये पेड़ बन सकता है थ्री कॉमा सिक्स आएगा उसके साथ पेड़ बन सकता है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स यही हो सकता है है ना थ्री और सिक्स आएगा यानी मल्टीपल ऑफ थ्री आया तो फिर से हमने एक डाइस को थ्रो कर दिया सही ना अच्छा या फिर ये भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑफ थ्री ना आए मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है मतलब वन टू फोर और फाइव ये चार आया तो आपको क्या करना है आपको फिर से एक क्वाइन टॉस करना एक क्वाइन टॉस करना तो क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा तो ये पहले वन आएगा टू थ्री सॉरी टू फोर टू फोर फाइव इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है इसके साथ कॉम्बिनेशन हेड और टेल का बन सकता है ना क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बन सकता है ठीक है अच्छा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा तो अगर हम लोग टोटल सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैसे देखो थ्री वन है ना कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री है ना थ्री का सभी के साथ बनेगा थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स फिर सिक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स अच्छा और फिर इससे भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा वन का हेड के साथ तो यानी वन एच फिर आएगा टू एच फिर आएगा फोर एच फिर फाइव एच है ना वन एच टू एच थ्री फोर एच फाइव एच फिर आएगा किसका आ, टी के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है यानी वन टी फिर टू टी फिर, फिर फोर टी और फिर फाइव टी यही टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा तो काउंट कर लेते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बीस आ गया ठीक है अब यहाँ पर यह बोला गया है कि दो इवेंट है एक इवेंट ई e मान लेते हैं और एक एफ मान लेते हैं अब क्या क्या है वो सुनना यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज अ टेल द क्वाइन द क्वाइन शोज अ टेल क्वाइन जो है वो टेल शो करना चाहिए अच्छा और एफ क्या है एफ मतलब गिवन हो गया गिवेन दैट एट लीस्ट वन डाइज शोज अ थ्री एट लीस्ट एट लीस्ट वन डाइस, एट लीस्ट वन डाइस सोज, सोज, आ, थ्री आ, थ्री देखो हमें कंडीशनर पोल्ट्री निकालना है ये गिवेन है और इसकी पोल्ट्री निकालना है तो इसके अंदर कौन कौन आएगा ये लिख लेते हैं कि द क्वाइन सोज टेल क्वाइन में टेल आना चाहिए तो उसके लिए तो हमारे पास आ, बस ये और ये अच्छा ये चारों आ जाएगा है ना वन टी वन कॉमा टी फिर आएगा टू कॉमा टी फिर, फिर फोर कॉमा टी और फिर फाइव कामा टी यही आएगा अच्छा अब लिस्ट वन सो थ्री कम से कम एक डाइस में तीन सो होना चाहिए तो कम से कम एक डाइस दोनों डाइस में तीन हो तो चलेगा देखो ये थ्री वन भी चलेगा थ्री वन आ जाएगा फिर अगला हम लोग बात करें थ्री टू आएगा फिर थ्री थ्री आएगा थ्री थ्री आ गया फिर थ्री फोर आएगा फिर थ्री फाइव भी आएगा फिर थ्री सिक्स भी आएगा है ना थ्री सिक्स भी आ गया अच्छा फिर सिक्स थ्री भी आएगा है ना सिक्स कॉम थ्री फिर आगे देखते हैं थ्री और किस में आ रहा है और कहीं पे थ्री नहीं आ रहा है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सेवन आ गया अच्छा अब दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा तो आप जरा ई इंटरसेक्शन आप देखोगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यानी कि ये फाइव हो गया है ना अच्छा। ये आ गया फाइव इसका मतलब यह हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया कितना जीरो तो हमें निकालना है पोल्टी किसका ई गिवन एफ तो यहां पर लिखेंगे पोल्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पोल्टी ऑफ एफ अब आप यह बताओ कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है तो इसका पोल्टी कितना होगा जीरो होगा और जीरो बाय समथिंग क्या होगा जीरो यानी आंसर आ जाएगा इसका जीरो तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी के साथ ये एक्साइज हुआ कंप्लीट अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्साइज पे बात करेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो